भोजपुरी इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि खेसारी लाल यादव की बर्बादी शुरू हो गई है। तो क्या है खबर, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बेशक अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के सच्चे फैन हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आपके समझ में 100% आएगा। बेशक काफी समय पहले खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की तरफ से देखा जाए तो काफी विवाद भी हुआ था और ये मामला कोर्ट तक गया था, लेकिन कोर्ट ने जब तक फैसला नहीं सुना तब तक खेसारी लाल यादव को गाना गाने का मौका दिया था और गाना खेसारी लाल यादव लगातार गा भी रहे थे। लेकिन बीच में अगर देखा जाए तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने इस केस को फाइनली जीत चुके हैं और उस पर यह भी लिख के आया कि 2025 तक खेसारी लाल यादव को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ ही गाना पड़ेगा। बेशक अगर बात की जाए तो खेसारी लाल यादव अदर कंपनी के साथ खाली फिल्म कर सकते हैं या स्टेज शो कर सकते हैं, बाकी एल्बम का कोई भी गाना किसी कंपनी के साथ खेसारी लाल यादव का रिलीज नहीं होने वाला है, क्योंकि फाइनली अपडेट है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन अगर चाहेगा तो खेसारी लाल यादव किसी भी कंपनी के साथ अपना गाना रिलीज कर सकते हैं। अगर कंपनी ने नहीं चाहा तो 100% है कि खेसारी लाल यादव कोई भी गाना रिलीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 5 करोड़ रुपए लेते 2 साल में खेसारी लाल यादव ने 200 गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को देने के लिए, लेकिन 100 ही गाना अभी तक कंप्लीट पूर्ण नहीं दे पाए हैं। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो खेसारी लाल यादव बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अगर वो फिल्म करना चाहते हैं तो फिल्म कर सकते हैं, शो करना चाहते हैं तो शो भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कंपनी के साथ अब उनका गाना रिलीज नहीं होगा। अगर उसका गाना रिलीज होता है उनका गाना, तो 100% स्ट्राइक मार के गाने को बंद करवा दिया जाएगा या तो गाना रिलीज भी नहीं होगा। इसलिए खेसारी लाल यादव का जितना भी लगातार गाने का पोस्टर आ रहा था, जितना भी गाना शूट हो चुका था, हो सकता है कि सारे गाने पे बैन लगना स्टार्ट हो जाए। अगर कंपनी ने चाहा तो 100% रिलीज होगा। तो आप लोगों का क्या अपडेट है?